Sampai जो किसी भी के कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता आप का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा शांति अव्यक्त इशारे साक्षी दृष्टा की स्थिति में निरंतर रहो जैसे कि बाप सेवा अर्थ ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए साकार का आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं ऐसे ही ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीर में आए कार्य पूरा हुआ न्यारे और प्यारे बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर चलो शांति, शांति। ओम, शांती। ओम शांती। आपका स्वागत है अब व्यक्ति परिवार में और आज है ग्यारहवा दिन और मुझे पक्का है कि आपका बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा आज है दादी गुलजार जी का दिन सुबह से लेकर शाम तक और हमारा भी मधुबन में बहुत ही सुंदर दिन रहा मुझे पक्का है कि आप सबको मौका मिला होगा लाइव रिकॉर्डिंग देखने का हम सब सुबह में इकट्ठे हुए थे अव्यक्त लोक में और हमने भोग भी स्व, जो स्वीकार कराया वो भी इतना प्यारा था तो और आइए अब हम अपना श्रृंखला शुरू करते हैं आज है ग्यारहवा दिन आत्मा की साइलेंट आवाज कम बोलो मीठा बोलो और धीरे बोलो और आज है बाबा और मैं कंबाइंड और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं ओम शांति आप सबको को बहुत बहुत वरदान मिले होंगे दादी से दादी गुलजार के शब्द हमेशा वरदानी शब्द होते थे और दादी चाहती है कि हम भी दृष्टि के द्वारा और शब्दों के द्वारा हम बाबा के, के वरदान सबके साथ बांटे ये नहीं कि मैं वरदान दे रही हूँ मैं सिर्फ शुभ भावना दे सकती हूँ लेकिन ये बाबा के वरदान है लेकिन मैं उनको दोहरा सकती हूँ और यही बाबा कहते हैं यही बाबा कहते हैं यही बाबा कहते हैं तो जब हम दोहराते हैं वरदानों को ये नहीं कि मैं वरदान दे रही हूँ मैं तो शुभ भावना देते हूँ लेकिन ये बाबा के वरदान है वरदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत पुराने ग्रहण को निकाल सकते हैं या कर्मों के खातों को चुकतू करने में मदद करते हैं लेकिन हमें अपने आप को भी याद दिलाना है वरदानों की जो बाबा हमें देते हैं तो ये इतना कंफर्टेबल महसूस होता है अगर मैं अपने बाबा बाबा को अपने दिल में रखती हूँ क्या आपको लगता है कि बाबा को कभी दुख, दुख पहुंचता होगा दुख या कभी बाबा दुख अनुभव करते हैं या या बाबा को कोई डर है नहीं तो जब बाबा मेरे दिल में है तो मेरा दिल कभी भी दुख नहीं ले सकता चोट नहीं पहुंच सकती मेरे दिल को कभी भी कोई बुरी भावना नहीं आ सकती कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकते कोई डर नहीं तो वो तो वास्तव में लक्ष्य है ना, जब yeah. कि मैं अपने बाबा को दिल में, जब मैं बाबा को दिल में रखती हूँ तो कुछ भी कुछ भी बाहर से मुझे छू नहीं सकता so have... तो आप सबने चिंतन किया होगा अनुभव क्या होगा कुछ लेकिन हम कभी भी कर सकते हैं ना एक दिन तो जैसे कि थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं लेकिन अगर आपने देखा कि आप ज्यादा नहीं कर पाए तो दोबारा कर सकते हैं ना आप उसे अगले दिन के अभ्यास के साथ भी जोड़ सकते हैं तो वही मैं करती हूँ और आपको फिर भी थोड़े घंटे तो होते हैं अगली सुबह तक was, कि देखने के लिए कि अगर heart, कि अगर बाबा को दिल में रखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है तो ये सिर्फ प्रेम का सवाल नहीं है okay. लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान है पतित पावन है बेहद का है उशन, आ, सागर के समान बाबा माफ करते हैं बाबा सबकी झोली भरते हैं सारे जो गुण हैं बाबा के वो अनुभव होंगे सिर्फ बुद्धि से नहीं कि सिर्फ वो सूचना के रूप में लेकिन वो रियलिटी बन जाते हैं वो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के गुण बन जाते हैं और फिर हम होमवर्क लेते हैं कंबाइंड रूप का कंबाइंड हो सकता है स्मृति में हो लेकिन एक जो कंबाइंड फॉर्म है वो है शिव शक्ति 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 शिव जो कल्याणकारी शक्ति और शिव तो ये सिर्फ हमारे दिल में है जब हमारे पास हमेशा शुद्ध संकल्प होते हैं कल्याणकारी होने के या फिर कल्याण लाने के हर एक का कल्याण हो हमेशा दाता होने के हमेशा दाता होना है और कल्याण लाना है वो है शिव सदा कल्याणकारी right? तो वही सत्य भी है हम कितना बात करते हैं ना सत्य के बारे में कल्याणकारी सुंदर तो सत्यम शिवम सुंदरम तो के बारे में करते हैं तो जब मैं शक्ति हूँ तो कौन सी शक्ति है मेरे पास कल्याण लाने की शक्ति प्रेम स्वरूप होने की शक्ति सत्य होने की शक्ति so form, तो सबसे पहले इस कंबाइंड रूप में शिव के साथ kind of so कौन सी शक्ति है मेरे पास वही शक्ति जो बाबा के पास very है very तो ये बहुत बहुत दिलचस्प है शक्ति लेकिन कौन सी शक्ति किसके लिए कैसी शक्ति और उस शक्ति को मैं किस कार्य के लिए प्रयोग कर रही हूँ जब मैं सिर्फ शक्ति होती हूँ तब भी हम जानते हैं विनाश करना बुरे का या जो तो शक्तियों को ऐसे दिखाया जाता है कि वो विनाश करते हैं आ, आ, घात करते हैं जैसे कई जो देवियां होती हैं, उनकी पूजा होती है उनकी हर एक की कामनाएं पूरी करती हैं, उसके लिए भी पूजा की जाती है तो जो दिव्य शक्ति देवी की लेकिन जब हम कंबाइंड होते हैं तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि जो अपने अंदर हरेक के दिल से जो विकार है उसका विनाश कर रहे हैं या घात कर रहे हैं लेकिन लेकिन हरेक के लिए कल्याण लेके आती है तो हाँ उसका घात करना बुरे का घात करना भी जरूरी है लेकिन उसके साथ उस शक्ति के साथ रचने की भी शक्ति soul, आत्माओं के अंदर mm, कल्याण की शक्ति द्वारा प्रेम की शक्ति द्वारा शांति की शक्ति द्वारा so also, तो विनाश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रच भी रहे हैं। जैसे कि एक जो विशेषता है बाबा की जो गुण है वो है दुख हरता सुख करता दुख हरता और सुख करता तो पतित पावन है कि जो पतित है उस पतित बने को निकाल के किसी को पावन बनाना जैसे कि बाबा कहते हैं अंत में हर कोई पावन बनेगा लेकिन कई भोग द्वारा और तो उसमें सजा के द्वारा तो पतित पावन वो जो कोई को ऊपर उठ उठाता है कुछ ऐसी चीज को जो खराब हो गई है तो एक होता है जहाँ पे कुछ विनाश करते हैं या हर लेते हैं कुछ और दूसरा भाग होता है जिसमें रचते हैं कुछ जैसे सुख करता सुख रच रहे हैं तो वो है कंबाइंड फॉर्म तो मैं सिर्फ विनाश ही नहीं करती शक्ति के रूप में लेकिन उसके साथ साथ मैं रचती भी हूँ शिव शक्ति के रूप में मैं रचती भी हूँ तो मैं इस पर चिंतन कर रही थी और और ताकि मैं वो स्मृति रच सकूं कि मैं बाबा के साथ हूँ और बाबा मेरे साथ है मैं बाबा के हूँ और बाबा मेरे हैं तो ये कंबाइंड रूप में बाप जैसे बाप दादा हम देख सकते हैं ना बाप दादा के एग्जाम्पल को एक बारी बाबा ने कहा कि ये सोचने की कोशिश मत करो कि कौन बोल रहे है हमेशा याद रखो कि शिव बाबा बोल रहे हैं फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा लेकिन मैं भी मदद करता हूँ मेरा मंथन मैं बच्चों को सुनाता हूँ मैं भी चिंतन, चिंतन, चिंतन करता हूँ तो मुझे भी बहुत अनुभव है so, also... तो दोनों के अपने विशेषताएं हैं तो शिव बाबा ज्ञान देते हैं लेकिन शिव बाबा को अनुभव नहीं है उस यात्रा का अनुभव नहीं है रूहानी यात्रा का कि ज्ञान को अप्लाई करना लेकिन शिव बाबा तो वो अनुभव नहीं बांटेंगे बाबा तो याद की यात्रा पे नहीं गए तो उन्होंने तो गुरु नहीं किए बहुत ही दिलचस्प है ना जब आप उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे दोनों इकट्ठे बांटते हैं ज्ञान बहुत बहुत जैसे कि अंदर में हार्मनी में है जैसे कि जो भी कहता है तो ठीक है <laughs> तो ऐसा ही होता है कि जब मैं कंबाइंड फॉर्म में होती हूँ करण करावन हार बाबा और लेकिन मैं भी वो जिसे शक्ति होनी है या गुण हो उसे करने के लिए मैं ये नहीं कह सकती ओ मैं तो कमजोर ही रहूंगी चलो बाबा जैसा हो रहा है होने दो बाबा ठीक करेंगे नहीं एक बारी बाबा आपके द्वारा करेंगे दूसरी बारी लेकिन तीसरी बार तो आपको वो होना पड़ेगा है ना तो मैं सिर्फ आधारित नहीं हो सकती कि बाबा करेंगे इसको हाँ हम जानते हैं बाबा को बाबा करते हैं क्यों करते हैं ताकि मैं भी वो स्वरूप बनू बापा अनुभव देते जैसे किसी को स्नेह का अनुभव देते हैं तो फिर मुझे स्नेह स्वरूप बना है ना तो वही दादी का एग्जाम्पल रहा दादी गुल्जार गुल्जार जी का या कोई भी दादी का बाबा ने उनके द्वारा कार्य कराया लेकिन फिर वो बनने लग गए वो कितनी बारी ऐसे होता है कि मान लो कि बाबा से मदद महसूस नहीं हो रही तो मैं क्या करती हूँ कि मैं साहस रखती हूँ जो कुछ भी हो रहा है साहस रखो ताकि वो मदद कर सकते हैं ना आपके द्वारा लेकिन अगर मैं हर बार कहूँ कि नहीं मेरे अंदर तो साहस नहीं है बाबा को करने दो बाबा को करने दो तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना जो इतने सारे मेरे से पूछते हैं कि बाबा कितना करते हैं और मुझे कितना करना है बाबा करते हैं बेहद के रूप में क्योंकि बाबा दाता है लेकिन मुझे भी जब बाबा कर रहे हैं मुझे भी मुझे भी तो वो शक्ति अडॉप्ट करनी है मुझे भी तो वो गुण को अडॉप्ट करना है तो ये भी जैसे कि बनना है ना कि कंबाइंड स्वरूप मुझे बनाएगा बाबा जैसा बाबा मेरे साथ है जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ so, really... तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ प्रयोग करें स्पष्ट होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो rain, मैं साहस रखती हूँ तो बाबा मुझे मदद करते हैं और जब बाबा ने मुझे मदद की है तो फिर उससे मुझे साहस आता है तो कितनी बार होता है कि हमें कहना होता है कि बाबा मुझे मदद करेंगे बाबा मेरे साथ है कई बार आपको जैसे कि बहुत बहुत स्पष्ट संकल्प रखना होता है कि कि मैं शिव शक्ति हूँ तो फिर आपकी शक्ति जो है बहुत ही इमर्ज रूप में रहती है उभरी रहती है कल्याण लाने अर्थ पावन करने अर्थ दुख हरने अर्थ मुझे याद है एक परी लंदन में एक सरेंडर भाई थे थोड़े साल पहले तो वो गिर गए बहुत ही ऐसा बुरे तरीके से और उनको ऐसे सर में बहुत चोट लगे और जब सर ऐसे लगा तो फिर अंदर में क्लॉट हो गया बाहर तो नहीं खून निकला लेकिन अंदर में क्लॉट हो गया तो फिर उसे प्रभाव पड़ा तो फिर वो बेहोश हो गए हॉस्पिटल में दादी उस समय भारत में थी और फिर वो उसी दिन ही आ गई वो एयरपोर्ट से गए हॉस्पिटल गए और आधे घंटा दादी वहीं बैठे हुए थे और दादी दृष्टि देती रही कुछ जिसे कहें कि असंभव था वो संभव हो गया उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने दादी को देखा दादी फिर भी बैठे हुए थे और दृष्टि दे रहे थे और फिर फिर फाइनली पूरे जागृत हुए तो हमारी अपनी दृढ़ता और वो इतने इतने मूल्यवान निमित्त थे वो तो बाबा जरूर से मदद करते हैं लेकिन जो निमित्त भी हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए तो ये इतना दिलचस्प है ना इसको बैलेंस करना कंबाइंड रहना तो मुझे पक्का है कि आप सब अपना होमवर्क लेंगे और अभ्यास करेंगे अपने अगले दिन के लिए कल के लिए तो बहुत बहुत प्यार बाप दादा से दादी से और हमारे यहाँ तीन सौ डबल फॉर्नर है पंद्रह हजार भारतवासी आए हुए हैं यहाँ पर तो तो हमें चलने के लिए भी रास्ता बनाना होता है बहुत बहुत आत्माएं हैं। शांतिवन तो इतना छोटा लग रहा है जैसे कि छोटी गलियां है बड़ा नहीं लग रहा तो जब तो जब नहीं होते सारे तो ऐसे लगता है अरे इतना बड़ा शांति है जब लोग हैं तो ऐसे लगे हर जगह इतने सारे बाबा के बच्चे हैं तो वही तो सुंदरता है ना परिवार की और मुझे पक्का है कि बहुत बहुत आना चाहते थे लेकिन हर सेंटर जो है वो थोड़े थोड़े दे रहे थे तो ये बहुत प्यारा है सबको देखते हुए यहाँ पर एक बड़े परिवार को यहाँ मौसम भी अच्छा है और भोजन तो यहाँ इतना होता है ब्रह्मा भोजन तो इतनी वैरायटी इतनी वैरायटी है यहाँ पे और लेकिन उतना तो खा भी नहीं पाते क्योंकि जब हम दूसरे दूसरे देशों में होते हैं तो रोज तो इतनी वैरायटी नहीं खाते ना तो ये बहुत बहुत प्यारा है यहाँ पर और हाँ जरूर से हम जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो कुछ भी तो थोड़ी घड़ियों के लिए चलो अब हम एक कंबाइंड फॉर्म में चलते हैं बाबा के साथ मैं आत्मा शक्ति शिव बाबा के साथ शांति। शांति। ओम मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप रुके रहें मैं वीकेंड का स्केड्यूल बताऊंगी अभ्यक्ति यात्रा के बारे में और थोड़े उसमें परिवर्तन है तो सबसे पहले हम अव्यक्ति यात्रा करते हैं आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में प्रकाश की मणि ज्ञान के मोदी दादी प्रकाशमणि द्वारा बच्चा माना कदम कदम बाप के कदम पर जिसको श्रीमत कहते, कहते तो बच्चा माना बाप के आज्ञा को श्रीमत कहो कदम कदम पर चलना तो कदम में बाबा देगा पदम पदम बाप से लेना माना बाबा के हर आज्ञा पर कदम चलना ऐसे कदम चलने वाले ही पदमा पदम भाग्यशाली गाए जाते माने जाते तो आप हर एक श्रीमत पर कदम चलो तो श्रीमत की मर्यादा आपको पदम देंगी सौभाग्यशाली बने तीसरा जो एक परिवार में मेरा परिवार परिवार में सब आते बच्चे बच्चिया बहू पोता दोता सब आता तो फिर आप सब बाबा के बच्चे आए हो ये प्रैक्टिकली पक्का अनुभव करके जाने का हम प्रवृत्ति वाले नहीं परंतु प्रवृत्तियों से परे निवृत्त हू अर्थात मैं एक अकेला आत्मा बाबा का हूँ जब मैं अकेला बाबा का हूँ एक अकेला बाबा बाबा हूँ तो प्रैक्टिकली ये मेरे बच्चे हैं ये बुद्धि से ममता निकल जाए तो आप सब पहला आए हो प्रैक्टिकली गीता का भगवान से ना, गीता के भगवान से सच्ची गीता पाठ पढ़ने अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन यही सच्ची गीता का श्लोक गीता कहा पूरी हुई जब कहा नष्टो मोहा स्मृति लब सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी तो आइए अब सुनते हैं हमारे फरिश्ते सिस्टर कला से और हम अपना कल का होमवर्क लेते हैं और आपको बता दें कि पंद्रह तारीख को हम हमारी श्रृंखला बदलेगी तो ये महीने हमारे दो श्रृंखलाएं हैं एक दादी गुलजार जी के लिए और दूसरी है दादी जानकी जी के लिए तो हम दूसरी श्रृंखला शुरू करेंगे तीन दिन में ठीक है तो अब हम स्वागत करते हैं सिस्टर कला का, का ओम शांति ओम शांति आप सबको बहुत सुंदर अव्यक्त दिन है आज है ना तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि हमने ये श्रृंखला शुरू करी है दादी गुलजार जी के साथ तो ये जैसे कि तो ये सीढ़ी चढ़ना हुआ हो सिर्फ सीढ़ी ही नहीं चढ़ रहे लेकिन उड़ रहे हैं और ऊँचे है ना तो ये और और बेहतर होता जाता है तो आज तो बहुत ही टॉप पे था ना क्योंकि हम एकदम क्या कहते हैं कहते हैं ना चेरी ऑन द केक तो हमारे को इतने सुंदर गिफ्ट मिले आज दादी से दीदी से बाप दादा से भी जरूर तो तो जो अभ्यास है ये जारी रहेगा तो हमारी स्मृति जो कहे कि आगे रहेगी बाबा मेरे दिल में और कोई नहीं कुछ भी नहीं और मुझे कैसे पता कि कोई और आ गया मेरे दिल में या कुछ और आ गया मेरे दिल में मैं अपनी भावनाओं को चेक करती हूँ कोई भी भावना जो नकारात्मक हो गई या कोई या मेरे सकारात्मक भावनाएं भी अगर चली जा रही हैं तो उसका अर्थ है या कोई और या किसी और ने प्रवेश कर लिया है मेरे अंदर तो, तो ये जो अभ्यास है और ये जो चेकिंग है वो जरूर से आगे कंटिन्यू रहेगी और आज जो है वो है बहुत ही मैं कहूंगी आज के लिए बहुत ही सही टॉपिक है ये बाबा का बाबा और मैं कंबाइंड मुझे लगता है कि हमने इतने सारे अलग अलग कंबाइंड uh, रूप के कितने सारे अलग अलग uh, समझाने पड़े हैं अलग अलग अ, समय पर अलग अलग महसूस किया होगा ना कितनी बारी बाबा कहते हैं जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं जैसे वो अलग नहीं हो सकते तो जैसे कि जब तक आत्मा शरीर नहीं छोड़ती लेकिन आत्मा और शरीर की तरह जैसे वो इकट्ठे हैं तो जैसे बाबा और दादा बाप और दादा इकट्ठे हैं कंबाइंड हैं तो तो हम भी कहते हैं लक्ष्मी नारा और नारायण भी कंबाइंड हैं इकट्ठे हैं हम दोनों को इकट्ठे देते हैं ना उनको इकट्ठे रखते हैं उनको समझाते भी इकट्ठे हैं तो तो बहुत सारे ऐसे हैं पहलू जो हमने सुने हैं कंबाइंड लेकिन आज जो बहुत ही सुंदर और निराला अर्थ समझा कंबाइंड का है ना बहुत गहरा बहुत ही निराला और क्या था वो मैं नहीं कहीं ये तो हमारे को प्रेम तो है एक दूसरे के लिए कि बाबा और मैं कंबाइंड हूँ लेकिन हर बाबा के टाइटल में हर बाबा के कार्य में क्या मैं वास्तव में अनुभव करती हूँ दोनों पहलू उसको विनाश भी करना पीछे छोड़ना भी उसको जलाना और साथ में नया रचना भी तो दोनों कार्य कुछ नया बनाना रचना है ना तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है देखने का कंबाइंड रूप का जिसका अर्थ है कि अगर मैं सही में एक शक्ति हूँ शिव से शक्ति लेने वाली तो मुझे मेरे अंदर दोनों शक्तियाँ होंगी क्योंकि बाबा शिव बाबा के अंदर दोनों है यानी कि वो रचयिता भी है और वो उनके अंदर विनाश करने की भी शक्ति है जो कुछ भी पतित है तो बहुत ही प्यारा तो क्या मैं सिर्फ विनाश कर रही हूँ पूरा समय ये जलाने की बात कर रही हूँ या अपने कर्मों का खाता चुक करना है या मैं उसके साथ साथ ये भी अनुभव कर रही हूँ कि मैं रच रही हूँ नए संबंध रच रही हूँ नए खाते बना रही हूँ संग सत्युग के लिए और नए अनुभव बना रही हूँ सत्युग के लिए तो उसके क्या तरीका है वो क्या होता है वो है मैच करना जो भी बाबा करते हैं ये नहीं कि मैं कहूँ कि वो बाबा करे और मैं तो खाली बैठ जाऊं लेकिन क्या विशेषता है क्या गुण है क्या शक्ति है जो मुझे भी अपने अंदर इमर्ज करना होगा ताकि मैं बाबा जैसी बनूँ जैसे बाबा मुझे मदद कर रहे हैं ये नहीं सिर्फ मुझे मदद करने के लिए मुझे कमजोर ही बनाए रखेंगे लेकिन मुझे बाबा मदद करते हैं ताकि मैं शक्तिशाली बनूं आमतौर में जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे को शक्ति देने के लिए नहीं मदद करते, वो दूसरे को सशक्त बनाने के लिए नहीं मदद करते लेकिन निदर बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मदद करता हूँ मदद करता हूँ तुम्हें शक्तिशाली बनने के लिए ताकि आप भी उन गुणों के स्वरूप बनो उन शक्तियों के स्वरूप बनो तो ये बहुत बहुत प्यारा तरीका है कम्बाइंड रूप को देखने का कि क्या अर्थ है कम्बाइंड का करण करावन हार जी मैं करणहार हो सकती हूँ और बाबा करावनहार है लेकिन मुझे मैच करने हैं अपने गुण बाबा के साथ हमेशा ताकि बाबा मेरे द्वारा कार्य कर सके तो शिव शक्ति आज बहुत बहुत सुंदर यह हमारी स्मृति रहेगी तो हम अपनी होमवर्क की स्लाइड देखेंगे जो है बाबा और मैं कंबाइंड संगम योगे कंबाइंड रूप आपका कौन सा है शिव और शक्ति 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 शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते that, right? तो हमें ये मानना होगा ना कि बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हमारे बिना combined... सदा अपने कंबाइंड रूप को साथ रखो this... वो स्मृति में रखो तो... No. तो कौन सा स्मृति में रखना है शिव शक्ति तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे तो संकल्प तो, तो, तो कमजोरी के, के तो रोक भी सकते हैं लेकिन स्वप्न तो सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं लेकिन बाबा कहते हैं आप कमजोरी के संकल्प तो क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे बाबा कह रहे हैं जागते सोते कंबाइंड रूप हो जागते सोते कंबाइंड रूप हो to to mm -hmm. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आज mm -hmm. सोने से पहले लेने के लिए तो जागते वक्त और सोते वक्त चौबीस घंटे जिसे कहते हैं और अब हमने उदाहरण देखा ना दादी को देखा है ना और इसीलिए बाप दादी हमें बाबा की इतनी याद दिलाते हैं हाँ जरूर से बाबा ने मदद करी बाबा उनके तन में आए हाँ वो सब कुछ तो है लेकिन उसके साथ साथ दादी की दृढ़ता थी दादी की अपना गहरा स्नेह था हम सबके प्रति कि उन्होंने वो स्थिति बनाए रखी और उसकी वजह से हम वो अनुभव कर पाए उनके द्वारा अंत तक है ना और आज भी है ना तो हम अब अपना योग करेंगे मैं और बाबा कम्बाइंड बाबा एंड आई बाबा और मैं कंबाइंड Form. संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है शिव, और शक्ति. शक्ति, शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और शिव पाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते सदा अपने कंबाइंड रूप को साथ रखो व स्मृति में रखो तो Then, let alone thoughts of weakness, कभी भी, के संकल्प भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे जागते, सोते कम्बाइंड रूप हो कंबाइंड संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है शिव और शक्ति शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते सदा अपने कंबाइंड रूप को साथ रखो व स्मृति में रखो तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वपन भी नहीं आएंगे जागते सोते कंबाइंड रूप ओम शांति